सवितुर्वरेणि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदय। के पीछे जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, आसान नहीं है कार्यक्रम खड़ा करना। मुझे नवल किशोर गोयल जी ने कहा कि मर्सिडीज वाले बीएमडब्ल्यू वाले स्टॉल लगाना चाहते हैं। मैंने कहा यहां कौन गाड़ी खरीदेगा, तो पता लगा कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदने वाले में भी भिवानी वाले नंबर वन है। मैं परिचय करवा दूं, उधर खड़े हैं सांवरमल गोयल जी, हमारे खजाना मंत्री हैं। इनके खजाना मंत्री बनने के बाद खजाने में वृद्धि हो रही, लगातार पैसा खूब आ रहा है जबरदस्त तरीके से। सांवर जी भिवानी के गौशाला मार्केट में दुकान चलाया करते एक जमाने में, अपना घर आश्रम के जनरल सेक्रेटरी हैं। कोई आदमी ऐसा पड़ा मिल जाए जिसका कोई नहीं हो, सांवर जी को फोन करना, उठा लेंगे और उसको प्रभु जी की तरह सेवा करने का काम करते हैं। ऐसे 10,000 प्रभु जी की सेवा हो रही है, एक बार तालियां बजा के सांवर जी का स्वागत करें। यह बड़ा स्मार्ट बॉय पंकज, अगर पंकज गुप्ता जी हैं, पंकज गुप्ता जी के नोएडा में रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पाइप फिटिंग का फायर फाइटिंग का काम करते हैं, हमारे संस्था के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक बार तालियां बजा के पंकज जी का स्वागत करें। ये भाई धनुष यज्ञ के जनक हैं, समझ लो बात को। इस पिकनिक कमेटी के पिछले 7 साल से प्रधान तो बदल गए, भाई नहीं बदला। ये हैं आदरणीय कृष्ण कुमार गुप्ता जरी वाले, मतलब इनका जरी का काम है। जो बहन हमारी भाभियां बैठी हैं वो ताली जोर बजाओ, डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, इनको एक बार तालियां बजा के जन्मदिन की शुभकामनाएं सब दे दे। 66 साल का हो गया पर 16 में टक रहे हैं आज भी, इस ताके गए ही नहीं। बहुत बढ़िया लाजवाब व्यक्ति है, 60 हो गए हैं, 76 साल का, और हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं कृष्ण कुमार गुप्ता जी। चांदनी चौक व्यापार संघ के, साड़ी व्यापार संघ के भी प्रधान है। बहने का आदमी जहां होगा प्रधान ही होगा। जितनी बढ़िया खेती भिवानी में प्रधानों की होती इतनी कहीं भी नहीं होती, तो वो भी प्रधान है साड़ी व्यापार संघ के, मैं उनका स्वागत करता हूं। ये है नवीन, जय हिंद, गांव भापोड़ा है इनका। और नवीन जी अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अन्ना की युवा वाणी के अध्यक्ष हैं और भिवानी परिवार मैत्री संघ का प्रचार मंत्री का दायित्व आपके कंधों पर है। ये सारी सुरक्षा जो देख रहे हैं पिकनिक की, ये जितने भी हमारे ब्लैक कैट कमांडो हैं, ये सारे आपकी कंपनी से हमेशा सर्विस आके यहाँ सेवा देते हैं। एक बार तालियां बजा के आप स्वागत करें श्री नवीन, जय हिंद का। ये है अरविंद जी, सदाबहार व्यक्ति हैं, अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत लाजवाब आदमी हैं, टेक्सटाइल पार्ट्स का काम करते हैं। क्या हो गया भाई, कोरोना हो गया? अच्छा, फोटो हो रहा है, फोटो जरूरी है जी। तो अरविंद जी हमारे संस्था के इस समय उप प्रधान है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक बार तालियां बजा के अरविंद जी का स्वागत करें। यह है पवन मोड्डा, बिहानी के मोड्डे आपने पता कुख्यात हैं, नहीं विख्यात हैं, गलती होगी भाई, बहुत बढ़िया है। ये हमारे निवर्तमान प्रधान, ये नवल किशोर गोयल जी हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा फार्म हाउस आपने ही बनाया है और आपको सुन के अच्छा लगेगा। पिछले एक महीने से लगातार इसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे यहां पहुंच जाते थे, 12 बजे तक यहीं रहते थे। इस व्यक्ति के लिए जितनी तालियां हो सके एक बार सब मिलके बजाइएगा। और आज का ये कार्यक्रम इनके पूज्य पिताजी श्री गोपीनाथ जी को, गोपीनाथ गोयल जी को समर्पित कर रहे हैं हम लोग। वो SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो नंबर वन कॉलेज है, जिसने देश को वित्त मंत्री दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर दिया है, उसके पहले ग्रेजुएट कोई थे तो लाला गोपीनाथ गोयल जी थे। उनका तालियां बजा के स्वागत करें हम। वो जहां कहीं भी उनकी आत्मा है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। रामायण के मर्मज्ञ थे, रामचरितमानस उनको पूरी याद थी। मैं नवल किशोर गोयल जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये गोविंद राम बंसल जी हैं, कांग्रेस के नेता रहे एक जमाने में, आजकल कांग्रेस का नाम लेने में डरते हैं। ये ब्लॉक के प्रधान थे और बोले मुझे टिकट चाहिए, मैं तो हमारे पास आ जा भाई, तो इस बार तय कर रखा है आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, दिल्ली में 10 MLA चाहिए और 50 कॉरपोरेटर चाहिए, किसी पार्टी में भी हो आप,
ये काम हमारा है टिकट दिलाने का। धर्मवीर जी बैठे ना, चिंता क्यों कर रहे हो तुम? एनडी गुप्ता साहब बैठे हैं, एनडी गुप्ता साहब आप पार्टी में हैं और धर्मवीर जी बीजेपी में हैं और एक प्रेम गुप्ता जी लालू प्रसाद पार्टी के, तो चिंता मत करो, सब तरफ डंडा अपना घूम रहा है। तारा मन हो तो मन बता दियो, आके तालियां बजाइए गोविंद राम जी के लिए। ये प्रमोद जी हैं, प्रमोद शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी हमारे संस्था के प्राण हैं। ये जो संस्था हाईटेक बनी है, मतलब छोटे छोटे मैसेज भी आते हैं, फलाना के खांसी होगी भाई फोन करके पूछ लो क्या हालचाल है, फलाने के जुखाम हो गया, वो सब खबरें भेजने का काम प्रमोद शर्मा जी करते हैं। प्रमोद शर्मा जी भारत सरकार की कंपनी सी डॉट के अंदर इंजीनियर हैं और हमेशा भिवानी परिवार मैत्री संघ के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। एक बार तालियां बजा के प्रमोद शर्मा जी का स्वागत करना चाहिए। हाँ, आज का क्विज और मिस्टर बिहानी और मिसेज भिवानी और ताऊ बिहानी और मिस बिहानी, ये आज एक कंपटीशन रखा है, उसके सारा सूत्रधार है प्रमोद शर्मा जी। इनको चार बार नमस्ते कर लियो, आपका जीतना तय है। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, प्रमोद जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, एक बार तालियां बजा के प्रमोद जी का स्वागत करना चाहिए। और ये हमारे सेनापति हैं, सेनापति तो आप जानते हो, हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे हनुमान जी हैं। पहली बार मुझे 8 साल के बाद खुशी हुई कि मुझे जनरल सेक्रेटरी ने कहा, प्रधान जी बहुत थक चुके हो, हम 8 बजे से ग्राउंड पर हैं, आप आराम से नहा धो के अच्छा सा बन के आना, चलेगा, 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, नहीं आओ तो भी चला लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब सामर्थ्यवान हो चुके हैं। ये बात कहने का जज्बा है तो दिनेश गुप्ता जी के पास है, भिवानी में लाला मामनचंद जी के सुपुत्र हैं, बहनी में दिनोद गेट पे इनका पेट्रोल पंप है, कभी बहनी जाओ और पंप तेल खत्म हो जाए तो मेरा नाम लेकर तेल भरवा लियो, पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे, मेरी गारंटी इस बात की। तो तालियां बजा के स्वागत करो दिनेश गुप्ता जी का। और ये हमारे प्रकाश बासिया जी हैं, प्रकाश बासिया जी भारत के गृह मंत्रालय में रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके बाद ये सन्यासी हो गए, पूरा समय भिवानी परिवार मैत्री संघ को देते हैं, पीछे एक स्टॉल लगा है मैट्रिमोनियल सर्विस का, जिनकी शादी नहीं होती, हालांकि शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं करोगे तो अच्छे रहोगे, प्रधानमंत्री बन सकते हो, फिर भी किसी का मन हो घोड़ी पर चढ़ने का तो प्रकाश बासिया जी के पैर पकड़ लियो, रिश्ता तारा आज ही खोज देगा, पक्की बात ना भाई लाला जी, बता दे कई कई एक एक कई कई, ये भी फाउल है इसका, 3 तलाक भी हो लिया। इसके बाद लाला जी खड़े हमारे, हाँ, हरि किशन जी अग्रवाल, बाबू राम भजन अग्रवाल जी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, और हमेशा भिवानी परिवार के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। टेंट क्लोथ का भारत का सबसे बड़ा व्यापार आपका है, आपको सुन के अच्छा लगेगा, कोई बड़ा टेंट लगा हो तो ये मान के चलना कपड़ा बहनी से ही आया होगा, फतेहपुरी में दुकान है कपड़े की बहुत बड़ी। तालियां बड़े कमजोर बजाते हो भाई, अरे मन इनका साल भर काम लेना है भाई, ताली बजाया करो, नहीं कर तुम तो बैठ के आ गए यार, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, एक ग्रुप फोटो करवा दे भाई, मैं राजेश चेतन को ताली बज गया, मेरे लिए बजा दो आप लोग, हो गया काम भाई साहब। किसी भी संस्था की जान जो होती है वो उसके प्रधान होते हैं, हमारे प्रधान भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी है, इनके पास सारी पावर वेस्टेड है, इनका व्यक्तित्व है जो इस संस्था को कहां से कहां ले आया। संस्था 7 साल पहले स्थापित हुई थी और 7 साल के बाद हम देख रहे हैं 1000 के आसपास इसके सदस्य हैं परिवार, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, कृपया तालियां जोरों से चाहिए, ये प्रधान जी के लिए है और हम सब के लिए है। ठीक है, हमारे प्रधान जी पेशे से बीमा का काम करते हैं लेकिन ये रुचि से कवि भी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी कहीं पे कविता पाठ इनका होता रहता है। ऐसे दोस्त, ऐसे भाई राजेश चेतन का सहयोग हमें मिला है प्रधान के रूप में, एक बार फिर तालियां, जोर से तालियां। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, भिवानी परिवार मैत्री संघ एक पोलियो ड्रॉप है, एक भी छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। मैं कहता हूं दिल्ली एनसीआर में एक परिवार नहीं छोड़ेंगे जो भिवानी परिवार के साथ ना जुड़ा हुआ हो। आप मेरे साथ है क्या इस काम में? तो ये आपको सुन के अच्छा लगेगा, पिछले 1 महीने में 80 नए परिवार जुड़े हैं,
तो मैं चाहता हूं जो नए परिवार पहली बार पिकनिक में आए हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाएं हम लोग, जो ना पहली बार ज्वाइन किया है भिवानी परिवार मैत्री संघ को। सबसे पहले हम अभिनंदन करेंगे हमारे सांसद का, धर्मवीर जी को। मैं तब से जब बच्चा था, छोटा सा, वेस्ट कॉलेज में पढ़ता था, तब से स्टूडेंट लीडर के रूप में मैंने आपको देखा है। और आपकी जो धमक रही है, अजात शत्रु कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, लेकिन धर्मवीर जी के रिश्ते सबसे मधुर रखे हैं उन्होंने। पार्टी पॉलिटिक्स को रिश्तों में कभी आने नहीं दिया, अजात शत्रु हैं। और मैं अभिभूत हूं, गदगद हूं इस बात के लिए कि मेरा सांसद आज वहां 26 जनवरी के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, पर इनको मैंने जब आग्रह किया कि भिवानी एक छोटी भिवानी दिल्ली में भी है आपकी, इस बार आप हमारे साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाइए, तो उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां अपने सांसद धर्मवीर जी के लिए। यह गणतंत्र जो शब्द है, यह गणपति से बना है, गणपति से संविधान के निर्माताओं ने लिया है। इसका मतलब समझना, गणपति, गण मतलब समूह, और उसका पति, उसका प्रमुख जो है वो गणपति होता है। आज जनता का राज है, पहले राजा पेट से बनता था, अब राजा पेटी से बनता है, और पेटी के राजा खड़े हैं दोनों के दोनों। इनके लिए तालियां बजाइएगा। और आप लोग भी राजा हो, समझिए मेरी बात को ध्यान से। मैं साहित्यकार हूं इसलिए बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप घर के प्रमुख हैं तो घर के गणपति हैं, आप मोहल्ले के प्रमुख हैं मोहल्ले के गणपति हैं, आप विधायक हैं तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के गणपति हैं, और आप भिवानी परिवार के प्रमुख हैं तो भिवानी परिवार के गणपति हैं। क्या बात, कोई डाउट है आप लोगों को क्या? हाँ, तो आप ये बात समझिएगा, गणपति का मतलब क्या है कि जो पहचान है गणपति की। एक मिनट में बात पूरी करूंगा अपनी। ये हमने प्रतीक चिन्ह क्यों बनाया? गणपति का सिर बड़ा है, यानी कि बड़ी सोच वाला ही आदमी नेता हो सकता है। आंखें बहुत छोटी हैं, पर नीचे चलती हुई चींटी भी दिखाई पड़ती है हाथी को, इसलिए गरीब से गरीब आदमी का दर्द भी नेता समझ सके वो गणपति होता है। कान बड़े बड़े होते हैं, ज्यादा सुनना होता है और बोलना कम होता है, इसलिए मुंह के आगे सूंड लगी है, कम बोलो ज्यादा सुनो। मनमोहन जी ने यही काम किया, 10 साल तक प्रधानमंत्री बनकर चले गए चुपके से, बात समझिए। और पेट बड़ा है, इसका मतलब कोई भी रहस्य हो वो पचाने की ताकत होती है, इसलिए उसको गणपति कहा जाता है। भिवानी जिले के सबसे बड़े गणपति आज हमारे बीच में आदरणीय धर्मवीर जी हैं, हमने उनका अभिनंदन किया है। एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत करते हैं। श्री एनडी गुप्ता साहब, एनडी गुप्ता जी के बारे में हम सब जानते हैं, अभी अभी आप पार्टी ने उनको सांसद का राज्यसभा में भेजा है। वो ऐसा व्यक्तित्व है, मैं घर गया था, बोले ब्रेकफास्ट करने आजा राजेश, कम होता है इनके पास समय नहीं होता नेताओं के पास, लेकिन एनडी गुप्ता जी ने 1 घंटा दिया करीब करीब, बहुत कुछ इनके साथ सीखने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद भैया, तालियां हाथ उठा के एक बार एनडी गुप्ता साहब के लिए। और अब हमारे बीच में जो शख्सियत हैं, उनका परिचय के लिए मैंने सुरेश जी को पटाया, मैं कहा आप परिचय दीजिए, वो है महेंद्र सिंह जी।
महेंद्र सिंह जी का परिचय के लिए मैं सुरेश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, सब भिवानी के स्टार फैमिलीज जो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास में रहते हैं, उन सबका स्वागत है। और आज गणतंत्र दिवस जो 69th हम लोग मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी राजेश जी भाई धर्मवीर जी और एनडी गुप्ता साहब के बारे में बता रहे थे, तो एनडी गुप्ता साहब से तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी भिवानी के लोग हैं बहुत टैलेंटेड हैं सर, बट भिवानी के लोगों को पर्टिकुलरली जो कुछ चाहिए उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट आप दिल्ली से हैं, लेकिन थोड़ा सा इस रोशनी को भिवानी भी लेके जाना पड़ेगा। भाई धर्मवीर जी तो लगे रहते हैं, लेकिन जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, बात लेके ये भी उन्हीं के पास जाएंगे। पंडित नेकी राम साहब का नाम सबने सुना है, भिवानी के फ्रीडम फाइटर थे। वहां से लेके आज तक की यात्रा, भिवानी का सूरज कई बार ऐसा लगता है कि छुप जाएगा, लेकिन भिवानी के लोग भिवानी का सूरज छुपने नहीं देंगे, चाहे वो धर्मवीर जी हों, एनडी गुप्ता जी हों। और अब मैं जिन भाई साहब की बात कर रहा हूं, उनका नाम है महेंद्र सिंह जी। ये पहले व्यक्ति हैं भिवानी के काली स्कूलों से पढ़ के जो सेंट्रल एक्साइज बोर्ड में, कस्टम बोर्ड में मेंबर बने हैं, और जिस बात से पूरा देश अच्छा होगा खराब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को या वित्त मंत्री को जब जीएसटी पे बात करनी है तो महेंद्र जी से बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये मेंबर बोर्ड जीएसटी हैं। आज वो शख्सियत आपके बीच में हैं जिससे आप मेरे ख्याल से इनके ऑफिस में आजकल मैं भी नहीं भोटराई के मिल नहीं सकता, इसलिए नहीं मिल सकता कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की समस्याएं जितनी भी हैं वो आज महेंद्र सिंह जी सोल्व कर रहे हैं। और आपके ये प्रिविलेज आप लोगों का कि आपकी धरती का वो सपूत इस कुर्सी पे बैठा है, तो मैं सर आप सबका शुक्रगुजार हूं। और दूसरी शख्सियत हमारे सामने रविंदर सागवान साहब, ये भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सेंट्रल एक्साइज कस्टम में, इन्होंने भी आज अपना समय निकाला, ये भी भिवानी से बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। तो आपको जिस प्रॉब्लम से जीएसटी से सीए या एडवोकेट के पास जाना पड़ता है, वो सरकार आज आपके सामने खड़ी है। तालियां बजा के स्वागत श्री महाशय धर्मपाल जी हमारे बीच आ गए हैं। 94 नॉट आउट, 95 नॉट आउट, मैं तो चेक कर रहा था आप ठीक सुन रहे कि नहीं सुन रहे, पता है 95 आप, मैं गलत थोड़ी बोलता हूं, मैं तो आपको चेक करता हूं आप ठीक सुन रहे कि नहीं सुन रहे। मैं 95 नॉट आउट, मैं परसों मिला था सर से, मुझे बोले जमराज ने मेरा लाइसेंस, मेरा जो चलाना खो दिया, अपन जाने वाले कहीं नहीं है, यही रहने वाले हैं। भिवानी से बड़ी जबरदस्त कनेक्टिविटी रही है, मैं घटना आपको सुनाता हूं। भिवानी का एक बच्चा जेल में बंद हो गया किसी कारण से, और वो बेचारा निरपराध था। आप भिवानी जेल में गए, आपका लेक्चर हुआ, उस बच्चे ने एक पत्र लिखा महाशय धर्मपाल जी को, और आपको सुन के अच्छा लगेगा, ये वो संत हैं गृहस्थ के वेश में, उद्योगपति के वेश में, अपनी गाड़ी लेके भिवानी जेल में चले गए उस बच्चे से मिलने के लिए, और कहा बेटा चिंता मत कर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं गया ऑफिस में तो वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे दिखाई कि ये बालक है जो निरपराध है और ये फंस गया है, अति संवेदनशील है महाशय धर्मपाल जी। मैं चाहता हूं कि उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार के, हमारे कुटुंबे के सबसे बड़े आदमी उनका सम्मान करें, तो सबसे बड़े तो मेरे पास दो सांसद हैं मेरे, मैं उन्हीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं कि वे महाशय धर्मपाल जी को सम्मान करें, कि मैं तो पद्मश्री तो दे नहीं सकता, मेरे पास तो पद्मश्री मेरे दो सांसद हैं जो उनका सम्मान करके दे सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दोनों सांसद आए और महाशय धर्मपाल जी का सम्मान कर दे। हाँ, कुछ अतिथियों का सम्मान और कर देते हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूं श्री शिवरतन गुप्ता जी को। मैं बुलाता हूं श्री रवि दधीच साहब को। रवि जी आइएगा। रवि जी का एनडीएमसी के अंदर है, अधिकारी हैं, वरिष्ठ दानिक्स हैं। वाह 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 वाह, लीजिए, लाओ लाओ लो, इस पर रखो,
सम्मान पत्र के सामने देखे रहे। ऐसे प्राचार्य जिन्होंने कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने आईएएस, कितने आईपीएस तैयार किए हैं, गुरु का सम्मान होना चाहिए। श्री नरेंद्रजीत सिंह रावल साहब हलवासिया स्कूल में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला करता था, उस जमाने में वो प्राचार्य थे, मेरे तो मेंटर हैं वो, मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान करना चाहिए। आपके भी प्राचार्य थे? अरे वाह, क्या बात है। एनडी गुप्ता जी भी सम्मान कर रहे हैं साथ में, ये बड़ी मेरे लिए फक्र की बात हो रही है। आज हमारे बीच में श्री अजय गुप्ता जी हैं, बाबू भ्रष्टदास गुप्ता जी के सुपुत्र हैं। अजय भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब कन्याओं की शादी के लिए, हजारों कन्याओं की शादी इनका ट्रस्ट कर चुका है। बाबूजी की 100वीं जयंती चल रही है, जन्म शताब्दी चल रही है, लोकसभा में उपराष्ट्रपति के सामने एक अद्भुत कार्यक्रम किया गया। मैं अजय भाई का अभिनंदन और स्वागत करता हूं, चाहता हूं कि अजय भाई का सम्मान किया जाए। उसके बाद मैं सम्मान करने के लिए बुलाना चाहता हूं श्री महेंद्र सिंह जी, सुरेश गुप्ता जी हमारे रेजिन किंग हैं, इनके घर में 20-25 आईएएस आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, कई डॉक्टर हैं। सुरेश गुप्ता जी एक भिवानी परिवार में पिछले दिनों चुनाव था, उस चुनाव को सर्वसम्मति से करवाने में जिसकी अहम भूमिका रही वो शख्स है सुरेश गुप्ता। ये जो आप देख रहे हैं सारा परिवार दोबारा से टूटने से बचाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो सुरेश गुप्ता जी ने किया। एक बार तालियां बजाइए सुरेश गुप्ता जी को, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। प्रकाश जी का मैं स्वागत करता हूं, बहुत केमिकल का आपका व्यापार है और भिवानी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मैं चाहता हूं प्रकाश जी का सम्मान किया जाए। मैं चाहता हूं कि नवल जी आगे आ जाएं और हम उनका सम्मान कर दें, एक बार आप भी स्वीकार करो आज। हाँ, तालियां बजाइए नवल जी के लिए। भाई हमारे निवर्तमान प्रधान हैं और इनके नाम से भिवानी में जो भग्गनपुरी है वो इनके परिवार से नाम से चलती है, भग्गन का परिवार जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान किया जाए। सारी दुनिया में आर्य समाज का काम संभालने वाले आर्य समाज के दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भाई विनय आर्य मंच पर हैं, बहुत बिजी आदमी हैं, समय नहीं है, भारत के और विदेश के कार्यक्रमों को संभालते हैं, आर्य समाज का एक पिलर है। और मैं बताना चाहता हूं भिवानी में आर्य समाज बाबू फूलचंद शर्मा निडर के नेतृत्व में भिवानी में आर्य समाज ने डंका बजा रखा है और मेरा तो पूरा परिवार, मेरी सब बहनें उत्मी भाई स्कूल में पढ़ी है। आर्य समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भिवानी के लिए, ठीक है बुलाइएगा। मैं चाहता हूं कि विनय आर्य जी इस मंच पर आए हैं, उनका भिवानी के लोग अभिनंदन जरूर करें। विनय भैया एक बार आगे आइए, भाई जोरदार तालियां बजाइए विनय आर्य जी के लिए। भिवानी में आपको एक नई बात और बता दूं, पहली बार इस जिले ने चमत्कार पैदा किया है, सांसदों के मामले में अपना जिला नंबर एक, एक जिले के 5 मेंबर को पार्लियामेंट, बड़ी बात है, तालियां बजा के अभिनंदन करना चाहिए इस बात का। 5 इंजन लगा रखे हैं हमने एक जिले के पीछे, जिले के आगे, तो ये बड़ी बात है। अभी डॉक्टर नितिन अग्रवाल हमारे बीच में है, सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट है, कभी आपको कोई भगवान स्वस्थ रखे डॉक्टर से पास जाए क्यों, पर जरूरत पड़ जाए तो 24/7 डॉक्टर नितिन ने वादा किया मैं हमेशा साथ रहूंगा। डीएम है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कभी हार्ट अटैक आ जाए तो मोबाइल नंबर जेब में रखियो, भाई आएगा नहीं, वैसे मेरे साथ हंसते रहोगे तो आएगा नहीं डॉक्टर नितिन। स्वागत करें श्री आरसी मेहता जी साहब का। दो शब्द बोलिए। माता जी है, आज मुझे आकर इतनी खुशी हो रही है,
इतनी प्रसन्नता हो रही है। मेरा मैं सोचा हाँ यहाँ आकर के मेरी उम्र 2 साल और बढ़ गई। आइए दोस्तों, हम नवसंवत 2075 का पंचांग अभी लोकार्पण करेंगे। भिवानी परिवार हर साल पंचांग प्रकाशित करता है और आज हमारा स्थापना दिवस भी है भिवानी परिवार मैत्री संघ का। 2009 में भिवानी परिवार मैत्री संघ की स्थापना की गई थी, आज हमको 9 साल पूर्ण हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पंचांग का लोकार्पण होगा, मैं अपने सांसद को शिवरतन जी को, अजय भाई को, द्रविड अधीर जी को कहूंगा आगे आ जाए। महेंद्र सिंह जी को प्रार्थना करूंगा वो आगे। भाई साहब 2 शब्द बोलने पड़ेंगे, ये सब लड़के मेरे पीछे पड़ रहे हैं। एक बार तालियां बजाइए जोरदार श्री महेंद्र सिंह जी। लो जी, परम आदरणीय महाशय धर्मपाल जी, भिवानी के सांसद भाई धर्मवीर जी, राज्यसभा के सांसद श्री एनडी गुप्ता जी, भिवानी परिवार मैत्री संघ के संयोजक पदाधिकारी, मेरे अच्छे दोस्त सुरेश गुप्ता जी, भिवानी के और भिवानी से बाहर से भी कोने कोने से आए गणमान्य व्यक्तिगण, भाइयों और बहनों, आज 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1950 से लागू होने के बाद आज 68 साल पूरे होने के बाद भारत का संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो इस देश की एकता को कायम रखे हुए है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है। भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों समुदाय के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं। हमारे लिए गीता है, वेद हैं, पुराण हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं जिनका हम अर्चन करते हैं, अर्चना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। इसी तरह मुस्लिम भाई हैं जिनका कुरान है, क्रिश्चियन भाई हैं उनका बाइबल है, लेकिन एक ऐसा दस्तावेज है जो सारे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, वो भारत का संविधान। और आज के ही दिन वही भारत का संविधान लागू हुआ था। आज हम सबका फर्ज बनता है कि उस संविधान की स्तुति करें, उस संविधान की पूजा करने का दिन है। और इसके साथ ही जैसा कि श्री एनडी गुप्ता जी ने कहा कि हमारे पूर्वज, हमारे जो महानुभाव, जो नेता थे जिन्होंने संविधान की रचना की, आज का दिन उन सभी महानुभावों का, उन सभी नेताओं को याद करने का दिन है और उनको धन्यवाद देने का दिन है कि जिन्होंने अपनी इतनी सोच समझ से इस संविधान को बनाया। भिवानी परिवार मैत्री संघ एक विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन उन्होंने इस फंक्शन का आयोजन किया, ये अपने आप में क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भिवानी से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, भिवानी से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति देश के ही नहीं, संसार के किसी भी कोने में जाएगा और वो अपनी उन्नति और विकास के लिए संविधान और कानून को सर्वोपरि रखता है, कानून की इज्जत करता है, संविधान की इज्जत करता है और कानून और संविधान के दायरे में रह के ना केवल अपने आप अपना विकास करता है लेकिन उस देश का जिसमें वो रहता है, आज हम भारतवर्ष में हैं, भारत के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये भिवानी के लोगों की खासियत है और मुझे खुशी है कि आज का ही दिन चुना ये सारे देश को बताने के लिए कि हम कानून और संविधान को मानने वाले हैं और कानून और संविधान की पूजा करते हैं और उसके दायरे में रह के एक दूसरे की सहायता करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। भिवानी के लोगों की एक खास बात और भी है, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्यौहार मनाना हो
या किसी बुजुर्ग की क्रिया ही हो, जब हम इकट्ठे होते हैं तो दो चार मिनट लगा के अपने काम की बात भी कर लेते हैं। आज इस महत्वपूर्ण मौके पे जब देश का पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, संविधान की पूजा हो रही है जगह जगह, मैं भी दो तीन मिनट के लिए काम की बात भी कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। और काम की बात यह है कि 1 जुलाई को भारत में GST लागू हो गया। GST से पहले केंद्र सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और बहुत सारे टैक्स लगते थे। हर स्टेट में स्टेट वैट लगता था या पहले सेल्स टैक्स लगता था। बहुत सारे कानून थे जो टैक्सेशन से संबंधित थे, जिनको स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती थी। और काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि इन सभी टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया जाए, पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाए। और बहुत विचार विमर्श के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद 1 जुलाई 2017 को भारतवर्ष में GST लागू हो गया। आज जितने विराजमान यहाँ हमारे अतिथिगण हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो किसी न किसी रूप से GST से प्रभावित हैं, GST से कनेक्टेड हैं। करीब करीब 90% लोग ऐसे हैं जो व्यापारी हैं या उद्योग से संबंध रखते हैं, वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। बाकी लोग जब आप कंज्यूमर हैं तो भी हमारे को GST किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। GST से संबंधित बहुत सारी अभी समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हम सुलझा चुके हैं। इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि भिवानी परिवार मैत्री संघ इसमें एक अग्रणी भूमिका अदा करे और जिस जिस भी सेक्टर की जो जो भी GST से संबंधित समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए वो हमें रेफर कर दें। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी आऊं और मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की GST की टीम को कोई जो भी आयोजन करेंगे उसमें भेजूं। वाह वाह, तालियां भाई, बहुत बढ़िया बात हो रही है। तो ताकि जितने भी जो अभी प्रॉब्लम GST में चली हुई है उनका समाधान हो सके और हमारे जो उद्योगपति भाई हैं और जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो व्यापार से संबंधित लोग हैं, उनकी जितनी प्रॉब्लम है, जितनी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। और मुझे पता है कि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि GST अभी शुरू हुआ ही है। रिटर्न भरने में जो प्रॉब्लम आ रही है, टैक्स भरने में प्रॉब्लम आ रही है, टैक्स समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी बातें मेरी समझ में हैं और मुझे मालूम है। मैं एक सलाह ये भी देना चाहूँगा, भाई धर्मवीर से मैंने अभी बात की थी और भाई धर्मवीर को मैं करीब 45-50 साल से जानता हूँ। हम वैश कॉलेज में साथ पढ़े हुए हैं। उनकी खासियत एक ही है कि वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो मैंने उनसे अभी दरख्वास्त की है कि एक ऐसा आयोजन भिवानी में भी करें। अभी बात उठी जब अजय भाई यहाँ उनका स्वागत हो रहा था तो ये बात हुई थी कि भिवानी में जाके भी, क्योंकि जो लोग अभी भिवानी से निकल नहीं पाए हैं और वहीं पे रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसा एक आयोजन किया जाए, जिसमें मैं अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को यहाँ से भी भेज दूंगा। और भिवानी हमारे रोहतक कमिश्नर के अंडर आता है, मैं रोहतक कमिश्नर की भी ड्यूटी लगा दूंगा और वो इंसिडेंटली भिवानी से ही हैं, विजय मोहन जैन हैं, चरखी दादरी से हैं और बहुत ही हमारे ब्राइट ऑफिसर हैं। उनकी टीम को लगा दूंगा, भिवानी के लोकल जो मेरे अफसर हैं कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनकी भी ड्यूटी लगा दूंगा कि समय समय पर जो भी प्रॉब्लम आती रहे उनका समाधान होता रहे। एक खास बात, एक मिनट लूंगा, अब उसके लिए कहना चाहूँगा कि एक सेक्टर ऐसा है जिसमें भिवानी का वर्चस्व है। भिवानी भारत के किसी भी शहर से अग्रणी है, आगे है, और वो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का। मेरे कुछ भाई मुझे जरूर विश्वास है कि यहाँ पे होंगे। ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1 फरवरी से ई-वे बिल लागू हो रहा है। जब सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो अपने ट्रक को या भी जो भी वाहन होगा उसको ई-वे बिल के साथ जाना पड़ेगा। ई-वे बिल के बारे में अभी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जो नॉलेज है वो पूरा है नहीं, बहुत सारी समस्याएं आई है। सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम टाइम है जो ई-वे बिल लागू होगा, तो उसके संबंधित भी मैं ट्रांसपोर्ट की, इनकी जो कोई एसोसिएशन हो या कोई भी बात हो मेरे से मिल लें या कोई अपना रिप्रेजेंटेशन दे दें या इसी टाइप का कोई आयोजन कर लें, जिसमें मैं चाहूँगा कि
उन लोगों को हम ये एजुकेट कर सकें कि किस किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन होना है, कहाँ उनको ई वे बिल के साथ चलना है, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उनके बारे में ई वे बिल नहीं चलेगा, वो सारी बातें इस फंक्शन में तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए जब भी आप कोई आयोजन करना चाहें, हमें बुलाना चाहें, मैं अपने अफसरों के साथ आ जाऊंगा या उनको भेज दूंगा। लोकल अफसर जहाँ पे भी होंगे, हमारा हर स्टेट में एक चीफ कमिश्नर होता है, कई स्टेट में 3-4 को मिला के एक होता है, करीब 21 चीफ कमिश्नर हैं और हमारे करीब 200 के करीब कमिश्नर हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। और मैं चाहूँगा कि GST जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और हमारे नेताओं का भी, पुराने नेता हैं उनका भी सपना रहा है और अब तो ये रियलिटी बन गई है, इससे बचाव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे भिवानी परिवार मैत्री संघ इसमें आगे इसमें इनिशिएटिव ले ले और हमारे जो भाई हैं, क्योंकि भिवानी से निकलने वाले हमारे देश के हर शहर में मिल जाएंगे और अपनी मेहनत और लगन से वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं। मैंने तो सारे भारत में अपनी नौकरी करी है, मैं गुजरात में भी रहा हूँ, बम्बई में भी रहा हूँ, कलकत्ता, UP में, हर जगह देखा हूँ जहाँ हमारे भिवानी के लोग हैं और अपनी मेहनत और अपनी लगन से वो पहचाने हैं, ईमानदारी से पहचाने जाते हैं और कानून के दायरे में रह के काम करने के लिए उनकी पहचान है। उन भाइयों को GST रेजिम में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, हम हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे और जो भी आपको सहायता देगी मिलेगी वो हम देते रहेंगे। बहुत दोस्तों, बहुत जल्दी आपको 10-15 दिन के अंदर सूचना मिल जाएगी। आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी के नेतृत्व में GST पर भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से एक बड़ा सेमिनार मैं आज ही घोषणा करता हूं। आप तालियां बजा के महेंद्र सिंह जी का स्वागत अभिनंदन कर दें। अब आदरणीय अरविंद जी, एक बार तालियां बजाइए अरविंद जी के लिए। आपका बहुत बड़ा व्यापार है, चांदनी चौक में बार स्टॉल लगा है, कपड़े का व्यापार करते हैं, 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। आज आपको उपहार में जो मिला है गेट पर, वो सारा आपकी कंपनी की ओर से मिला है। सबसे अच्छा स्टॉल लगाया आपने और ये भिवानी परिवार के कार्यक्रम में हर बार स्टॉल लगाते हैं। हमारे भिवानी के तो नहीं है पर हमारे भिवानी जैसे हो गए हैं, हमारे साथ रह गए। इसी बीच एक और शख्सियत हमारे बीच उपस्थित, भिवानी गौरव जगदीश मित्तल जी को मंच पर चाहता हूँ मैं, एक बार आ जाए और एक छोटा सा हमारा स्मृति चिन्ह स्वीकार कर लें। आप भिवानी गौरव हैं, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हैं, संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, राष्ट्रीय कवि संगम के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि एक स्मृति चिन्ह से सम्मान किया जाए। इस भिवानी परिवार मैत्री संघ के सभी महानुभाव, पुराने और नए प्रधान और मेरे सामने सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज केवल यहाँ नहीं बल्कि देश के हर प्रांत में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, बल्कि सब डिवीजन स्तर पर भी आज हम गणतंत्र दिवस के तौर पर ये त्यौहार मना रहे हैं। आज से 68 साल पहले जिस संविधान को लागू किया और संविधान बनाने से पहले सैकड़ों साल तक एक बहुत लंबी लड़ाई इस देश के उन महान पुरुषों ने लड़ी, हजारों लाखों आदमियों ने बलिदानी देकर इस देश को आजाद करवाया। क्योंकि आज से नहीं, हम तो सैकड़ों साल से गुलाम थे और उसके बाद जिस संविधान की संरचना की बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर भीमराव अंबेडकर तक संविधान सभा के बहुत से सदस्य थे और तकरीबन 3 साल का समय लग गया एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए, ताकि जब हम आज़ादी जब मिली है तो हर बात को उसके अंदर पिरो दिया जाए, एक ऐसी माला बनाई जाए संविधान की किताब के रूप में, जिसका फायदा हमें मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं उन सभी देशभक्तों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर करे, उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन्हीं की वजह से आज हम इस प्रकार के फंक्शन करने में, और मैं माननीय चेतन जी को ये बधाई इसलिए देता हूँ कि इन्होंने भी संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन इस भिवानी मैत्री परिवार का गठन किया है, यानी संविधान का दूसरा रूप। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का व्यापारी, उद्योगपति,
125 करोड़ की जनसंख्या है इस देश में, आपने बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हरियाणा से बाहर के सुने होंगे। एकमात्र कुछ एक इलाका इस देश में ऐसा है, रोहतक से आगे हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, पार्ट ऑफ राजस्थान जो रेतीला इलाका है, आपने भिवानी से भी बड़े उद्योगपति और व्यापारी भी देखे हैं, लेकिन वो इलाका ऐसा है अपनी कष्ट कमाई चाहे वो कलकत्ता में करे, बंबई में करे, आसाम में करे, कहीं पर भी पैसा कमाए, खुद भूखा रह के काम कर ले, लेकिन वेलफेयर के नाम पर जो दान का काम इस क्षेत्र का आदमी करता है, हिंदुस्तान के दूसरा व्यापारी नहीं कर पाता। हो सकता है इस बात को सुन के करनाल, रोहतक, पानीपत के लोग हमारे से नाराज हो जाएं, लेकिन इस इलाके के मिट्टी में पानी में कुछ अलग ही अहमियत है। संविधान बनने के बाद तकरीबन ये 69वां हम दिन मना रहे हैं, लेकिन आज हमारा मुकाबला उन विकसित देशों से है, चाहे वो अमेरिका है, यूरोप है, और जिस प्रकार का भारत बनाने की सोच उन स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लगता है अभी अब उस मंजिल पर हम नहीं पहुंचे हैं, बहुत सी खामियां अभी तक हैं, और इसीलिए आने वाली पीढ़ी की सभी की यह जिम्मेवारी बनती है कि हम उस प्रकार का देश कैसे बनाएं। बदकिस्मती से बहुत सी अड़चने भी आती हैं, और इसीलिए संविधान की कुछ धाराओं को हम समय समय पर पार्लियामेंट और असेंबली में बदलते हैं। आज फिर जरूरत है कि हम उन अड़चनों को हटाएं, हमें आगे बढ़ना है, मुकाबला हमने चाइना जैसे देश से करना है, तो जरूरी नहीं कि हम किसी पिटी बातों को ही आगे रखें। आजादी के 70 साल के बाद भी बहुत सी व्यवस्था ऐसी बनी जिसकी वजह से हम सुखद महसूस नहीं कर रहे, हर वक्त हम तलवार जब लटक जाती है तो आदमी काम नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर जिस जीएसटी का अभी जिक्र आया, देश की सारी पार्टियों ने मिलकर यह सोचा कि एक टैक्स हो जाए, लेकिन अभी भी खामियां हैं। बहुत बड़ा व्यापारी उद्योगपति रात दिन कहीं ना कहीं भय के वातावरण में जीता है, और कोई भी व्यापारी या उद्योगपति या घर का काम करने वाला व्यक्ति अगर उसके ऊपर तलवार लटकेगी तो काम नहीं कर पाएगा। आज फर्ज यही बनता है कि हम किसी प्रकार से सपोर्ट करें और उसको सरल बनाएं, ताकि व्यापारी ठंडे दिमाग से काम कर सके और इस देश की मजबूती के लिए, आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए काम कर सके। क्योंकि भय के वातावरण में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कोई टैक्स की ऐसी मार हो जिस पर यह दिखा जाए कि आप ये गलत करोगे तो आपके ऊपर ईडी का आदमी आएगा, या इनकम टैक्स का आ जाएगा, या जीएसटी के लिए कस्टम का आएगा, या पुलिस का अधिकारी आपकी छानबीन करेगा, कभी भी इस प्रकार से व्यापार नहीं चल सकता। इसलिए आवश्यकता आज इस बात की है सभी पार्टियों ने मिलकर इस जीएसटी के नाम पर जो महेंद्र जी ने बताया, हम इसको सरल कैसे बना सकते हैं, यानी भय का वातावरण कैसे खत्म हो सकता है, आज आवश्यकता इस बात की है। हमारे से बाद में आजाद हुआ चाइना जैसा देश भी कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करके हर आदमी अपनी ईमानदारी से काम करता है तो कहीं से कहीं पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश 125 करोड़ का देश होने के बावजूद आज हर प्रकार की कहीं ना कहीं खामियां हैं, और हम बेहिचक, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी है कि हम असल बात को ना अपनी पार्टी में ना अपनी दूसरी जगह कह पाते, और उसका नुकसान इस देश की 125 करोड़ आदमियों को होता है। आज दोबारा से जरूरत इस बात की है कि हम हर चीज को देखकर किसान अपना काम करे, सर्विस सेक्टर का आदमी अपना काम करे, मजदूर अपना काम करे, और उद्योगपति और व्यापारी अपना काम करे। जब निश्चिंत होकर ये काम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये देश भी दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ेगा। इसलिए
आपने जिस प्रकार का ये प्रोग्राम किया है, बहुत बहुत राजेश जी बधाई, और सारे साथियों को इस गणतंत्र दिवस के तौर पर दोबारा से बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे आदरणीय महाशय धर्मपाल जी, पूज्य बाबू जी, उन्होंने कुछ शब्द बोले थे। उनका मन है कि भाई विनय आर्य जी यहाँ पर उपस्थित है, वो संदेश संक्षेप में आप तक भेज दें। तो मैं आर्य समाज दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी श्री विनय आर्य जी, मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे वो शब्द आप तक पहुंचाएं। आदरणीय विनय जी। उपस्थित बंधुओं, जो बात महाशय जी ने अपने मुख से आपको आशीर्वाद स्वरूप कही थी, हालांकि राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले से गला उनका बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से कुछ समझ तो जरूर आई होगी, पर मेरा उद्देश्य रहा है कि उनकी बात को और ज्यादा अच्छी प्रकार से आप तक पहुंचा दिया जाए। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने के बाद, इस माहौल को देखने के बाद, इस परिवार को एक साथ खड़ा रह करके देखने के पश्चात मेरी आयु 2 साल और बढ़ गई है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऑलरेडी 95 वर्ष की आयु में वे एक युवा की भांति इस समय जिस प्रकार से जीवंत जीवन जी रहे हैं, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण है। 95 वर्ष की आयु कोई बहुत छोटी आयु नहीं होती बंधुओं, और वो भी एक निरंतर कार्य करते समय। तो उन्होंने 3 बातें आपके समक्ष रखी थी, वो मैं आपके बात रख रहा हूँ उनकी ओर से। पहली बात उन्होंने रखी कि हमें ये समझना चाहिए कि हम जो बीजेंगे सो काटेंगे, जो काटेंगे सो खाएंगे, और जो खाएंगे वो सो बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने खान पान का हमारे सारे परिवार ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि ये भिवानी परिवार इस कारण से जाना जाता था, वो चीजें अगर हमारे परिवारों में, तो उसको कुछ और ध्यान रखें, इसलिए एक प्रेरणा उन्होंने ये दी। दूसरा, क्योंकि व्यापारी वर्ग, भिवानी परिवार और व्यापारी वर्ग एक दूसरे के समन में है, दोनों में अलग नहीं किया जा सकता, और आदरणीय महाशय जी भी एक व्यापारी वर्ग से हैं, और व्यापार का जो संबंध है उसको उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आप सभी को प्रेरणा देते हुए कहा कि मैं अपना निचोड़ ये कह सकता हूं कि जब मैं भारत में आया था, भारत क्यों अपने ही देश में थे, सियालकोट से, तो तांगा चलाया करता था, और तांगा चलाने से दिल्ली आए जब सियालकोट से, तो तांगा चलाया करता था, और तांगा चलाने के पश्चात अगर मैं भगवान के आशीर्वाद से जहां पहुंच पाया हूं, तो उसके 6 कारण है। वो 6 कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा है कि ईमानदार बनना, मेहनत करना और मीठा बोलना। ये 3 चीजें हम सभी अपने जीवन में लाएं, ईमानदार बनना, मेहनत करना, मीठा बोलना, फिर कृपा परमपिता परमात्मा की अपने आप होगी, लेकिन उसके पीछे एक चीज की अनिवार्यता है, वो है माता पिता का आशीर्वाद। उन्होंने ये बात बोली थी, अगर इन सब कार्यों को करते हुए आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से थोड़ा सा दूर रहते हो, तो समझ लीजिएगा इतना करने के पश्चात भी आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलने वाला नहीं है। और अंत में उन्होंने कहा कि ईमानदार बनना, मेहनत करना, मीठा बोलना, कृपा परमपिता परमात्मा की, आशीर्वाद माता पिता का होगा, तो प्यार सारे संसार का अपने आप मिलता जाएगा, उसके लिए आपको किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने जीवन के निचोड़ के रूप में आज आपके समक्ष अपने मन की बातों को रखा है, और मैं आपको ये निवेदन जरूर कह सकता हूँ, आज 26 जनवरी के अवसर पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस परिवार में सबसे अधिक आयु की इस समय आज यही मौजूद होंगे, 95 वर्ष में। तो 95 वर्ष के होने के पश्चात भी यदि हम उनसे प्रेरणा ले सके, तो 3 बातों की है। पहली है बंधी हुई दिनचर्या। आज सर्दी के मौसम में भी 4:15 बजे उठ करके ठीक 5:10 पे पार्क में पहुंच गए थे सुबह सुबह, और पार्क में पहुंच करके सैर करना, सैर करने के बाद में योगा करना, योगा करने के बाद प्राणायाम करना, प्राणायाम करने के बाद में डंबल करना, और डंबल राजेश जी चेक कर सकते हैं, हम डंबल के डोले कितने मजबूत हैं अभी आप चेक कर सकते हैं। ये डेली का रूटीन है डंबल करना, और डंबल करने के पश्चात में वापस घर जाकर के ठीक 8 बजे हवन करना, और 9:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ऑफिस में लगातार काम करना, जो लोग गए वो जानते हैं। 5:30 बजे फिर से पार्क में जाना, फिर से सैर करना, सैर करने के पश्चात व्यायाम करना, व्यायाम करने के बाद योगा करना, ध्यान करना, और ध्यान करने के बाद सब लोगों को हंसाना। मैं समझता हूं यही वो कारण है कि 95 वर्ष के पश्चात भी महाशय जी के जो दांत हैं वो असली हैं, अभी तक उनको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, असली चेक कर ले भाई, कोई बीपी की समस्या नहीं है, कोई शुगर की समस्या नहीं है। इमरती खानी हो तो ले आओ, खूब जलेबी खानी हो तो ले आओ, रबड़ी खानी हो तो ले आओ, मक्खन खाना तो ले आओ, कोई मनाही नहीं है किसी तरह की, लेकिन सभी चीजों को संक्षेप में करना। यही कारण है घुटने ठीक हैं,
हार्ट ठीक है, हार्ट की कोई समस्या नहीं, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, और ये सब मैं समझता हूँ आप सबकी प्रेरणा के लिए है, और इसी कारण से वो यहाँ पर आपके परिवारों के बीच में आज आने का उन्होंने स्वीकृति दी और उपस्थित हुए कि आप सब भी ऐसे ही जीवंत बने, हंसते रहें, हंसाते रहें। और एक बात अंत में वो कहते हैं कि जो कुछ कमाओ वो अपने लिए मत रखो। आपने अभी धर्मवीर जी ने बहुत सुंदर बात कही, आदरणीय हमारे जो एमपी साहब हैं, कि भिवानी का परिवार चाहे वो डॉलर वाले कलकत्ता में बैठे हो लेकिन सोचते हैं भिवानी की, चाहे वो परिवार बंबई बैठे हो सोचते हैं भिवानी की। और जिन फूलचंद शर्मा जी का नाम लिया, और फूलचंद शर्मा जी का परिवार तो बहुत बड़ा है, इसकी तो आज चर्चा करना मैं क्या कहूंगा, इतना बड़ा परिवार। फूलचंद शर्मा जी थे गुप्ता, काम के कारण से उन्होंने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट में चेंज करवाया कि भाई मैं काम ब्राह्मण का करता हूं तो शर्मा लिखूंगा। तो इसलिए उस परिवार का जो आपके साथ संबंध है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और महाशय जी यही कहते हैं जो कमाओ समाज के लिए जरूर सोचो, अगर हम समाज का सोचता रहेंगे तो सारा समाज हमारे बारे में रात दिन हमारे को आशीर्वाद देता रहेगा, यही उनके जीवन का रहस्य है। मैं समझता हूँ यहाँ पे आना हम सबके लिए शुभ हो, और उनके जीवन से हम सब भी कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएं, यही मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। उनके आने पर राजेश चेतन जी से जो आर समाज का संबंध है और महाशय जी से संबंध है, आप सबकी अर्जी थी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज के उस अवसर पर हमारे भाई प्रेम अरोड़ा जी और हमारे भाई मनोज जी भी यहाँ पर महाशय जी के साथ हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद, धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छा है और लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं करीब 4-5 साल पहले भी आया था और तब से और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, और मुझे लगता है कि आगे आगे भिवानी से जो निकले हुए लोग हैं और जो विभिन्न सेक्टर्स में अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे, और इसी तरह लोग जुड़ते रहेंगे, और ये एक किस्म का आंदोलन का जो काम कर रहा है, एक आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, इससे एक दूसरे को सहायता भी मिलती है और एक दूसरे सेक्टर में जो कुछ हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, और मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके आयोजकों के लिए और भिवानी परिवार मैत्री संघ के लिए। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा इलाके के लोग यहाँ आकर जो एक संगठन बनाया है वो भी स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पर, और मुझे उम्मीद है कि ये परिवार और बढ़ेगा और ज़्यादा देश को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। पिछले 9 वर्ष से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और बेसिकली क्या है, जो हमारे संविधान जब बना था बाबा अम्बेडकर देव ने बनाया, और वो एक सिद्धांत के बेस पे था जो महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी ने कहा मानव सेवा और सभी लोगों को इकट्ठा करना, तो एक सूत्र में बांध कर रखना, क्योंकि इसमें जरूरी था जब ये संविधान बना एकता और अखंडता। तो ये जो भिवानी परिवार इकट्ठा है ये एकता और अखंडता का संदेश देता है, और दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट चाहे जींद हो हिसार हो सभी इसी प्रकार की अपनी संस्थाएँ बना रहे हैं। ये जो है एक धीरे धीरे बहुत हरियाणा का बड़ा परिवार हो जाएगा ऐसा मैं सोचता हूँ। सभी जन जाएगा समझ आ गए हैं। अभी 2000 का नोट चला है भारत सरकार द्वारा नवंबर में। मैं बैंक यहाँ पे मिला हूँ। 2000 के नोट पर बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। ऐसे बार क्या होना चाहिए? आपको ये बताना है कि हिंदी और अंग्रेजी को बढ़ते हैं तो कितनी भाषाओं में 2000 रुपये मिलना चाहिए? कितने भाषाओं में? नहीं मिला क्यों? ये हजार होता बुरा हिंदुस्तान ठीक ठाक करें। भगवान ने रामायण में एक लाइन कही है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण हमें रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। हम ये बोलते भारत माता की जय, पर भारत तो बहुत बड़ा है, 125 करोड़ की आबादी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। उस भारत का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कहे कि मेरी मातृभूमि है? तो हर व्यक्ति का अपना अपना जो जिला होता है वह उसकी जन्मभूमि होती है, वह उसकी कर्म भूमि होती है। अगर सब लोग मिलकर अपने अपने जिले की चिंता कर लें तो भारत माता की जय अपने आप हो जाएगी। भाई इस भावना के साथ हम भिवानी जिले की चिंता करने के लिए हमने भिवानी परिवार मैत्री संघ बना रखा है, और यह हर साल भिवानी के सब लोगों को इस कार्यक्रम में हम बुलाते हैं। इस बार हमारे सांसद धर्मवीर जी थे, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद एनडी गुप्ता साहब आए थे। कुल मिला के एक भव्य कार्यक्रम होता है ये, और हमारा संस्था का स्थापना दिवस भी है। 2009 में हमने ये भिवानी परिवार बनाया था, लगभग 9 साल की यात्रा हो गई है और ये यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय लगभग 1000 परिवारों का ये संगठन हो गया है, जिसके अंदर 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी भिवानी के हैं। कुल मिला के भिवानी भारत के कोने कोने में फैला हुआ है, और हम चाहते हैं ये भिवानी की शक्ति राष्ट्र की
ताकत बने, राष्ट्र की शक्ति बने, इसके लिए भिवानी परिवार मैत्री संघ कार्य कर रहा है। देखिए 26 जनवरी का कार्यक्रम जो होता है देश को समर्पित कार्यक्रम होता है, क्योंकि पूरा राष्ट्रीय अवकाश है तो सब लोग इस तरह के हमने एक आयोजन वन भोज के नाम से किया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो परिवार अपने घर में अवकाश मनाते हैं वो पारिवारिक रूप से इकट्ठे हों, अपने दुख सुख शेयर करें, देश को याद करें। हमने सबसे पहले यहाँ पर झंडारोहण से ही कार्यक्रम को शुरू किया है और देशभक्ति के हमने गीत प्रस्तुत किए हैं, जो हमने फोकल डांस रखा है वो भी देशभक्ति पे रखा है, और जितने कार्यक्रम हमने करे हैं सब पारिवारिक कार्यक्रम हैं, बच्चों से लेडीज से जेंट्स से देशभक्ति के सेवा के 5 कार्य हमने आज शुरू करे हैं। गणतंत्र दिवस देश को समर्पित है और इसीलिए समाज सेवा के नाम पे देश सेवा के लिए हमने 5 कार्य शुरू करे हैं, जिसमें देहदान अंगदान का काम है, विवाह सूचना केंद्र है, पुराने वस्त्र और पुरानी दवाइयाँ जो है जरूरतमंद तक पहुँचाने का संकल्प है, विवाह शादी समिति बनाई गई है जिसमें सामाजिक जो कुरीतियां पैदा हुई हैं विवाह शादियों में खर्चे को लेकर उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितने संकल्प है वो सारे देश को समर्पित संकल्प है, इसलिए 26 जनवरी का दिन इस लिहाज से मैं मानता हूं कि पूरी तरह से उपयुक्त है। सबसे पहली योजना तो हमारी देहदान अंगदान की है, जिसकी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके देने से, इस दान के करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, इसको पर्यावरण को भी लाभ होता है और जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढा जा सके। सबसे बड़ा हमारा ये बहुत बड़ी मुहिम है और आज तक किसी भी संस्था ने ऐसी मुहिम नहीं चलाई है। एक संस्था जो चला रही है उसी के साथ हम सहयोग के चला रहे हैं। ऐसे हमारा एक योजना है पुराने वस्त्र और दवाइयाँ जो घरों में काम नहीं आती, लोग इधर उधर डाल देते हैं, फेंक देते हैं, वो डेट एक्सपायर हो जाती है, वो पैसा ही बर्बाद होता है और दवाइयाँ इतनी महंगी है, तो उनको हम एकत्रित करके और जो एक मेडिसिन बाबा मशहूर है उसके पास हम भिजवाएंगे, जो इनको रेलेवेंट आदमी के पास डॉक्टर्स के पास भिजवाएंगे, जिसके बाद वो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। इसमें एक्सपायरी दवाइयों को निकाल दिया जाता है, पैकिंग वाली जो फ्रेश दवाइयाँ होती है वही यूज़ करते हैं। ऐसे हमारी एक योजना है मैट्रिमोनियल सेवा, आज समाज में इस सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। पहले ज़माने में लोग रिश्तेदार भाई बंद दोस्त मित्र सब एक दूसरे को रिश्ते बताते थे, अब किसी के पास ना तो टाइम है और ना किसी को इसमें मतलब पेन लेने के लिए कोई तैयार है, क्योंकि जब अच्छा रिश्ता हो जाता है तो कहते हैं बच्चों की किस्मत, कुछ 19-21 बात हो जाती है तो फलां आदमी ने फंसवाया हमें, ये थैंकलेस जॉब है, सभी सुलझाने से डरते हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं कि भी हम अपने आप रिश्ता करेंगे और ये रिश्ते से हम अपने जो परिवार का हमारा मंच है भिवानी परिवार मैत्री संघ, इसमें सब रेफरेंस से रिश्ते आते हैं, तो ताकि रिश्तों में किसी की कोई दिक्कत ना आए भविष्य में और ये बढ़िया रिश्ते वाला काम चले और ये काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। इसी तरीके से हमारी एक योजना है भारत माता पूजन हमने शुरू किया है, ताकि लोगों को देश के प्रति कुछ अनुग्रह हो, देश के प्रति कुछ सम्मान हो, ये भी हमने एक सेवा शुरू की है। इस प्रकार हमारी जितनी भी सेवाएँ हैं वो समाज को ध्यान में रख के की गई है। इन सब के पीछे हमारे भिवानी परिवार के जो सदस्य हैं सबका एक दूसरे के प्रति लगाव है और इन सेवा कार्यों में सब खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे हमारा एक सेल हमने बनाया है आपदा पर सहायता केंद्र, जब भी कोई देश में आपदा आती है, जैसे आपने केदारनाथ में भूकंप आया या जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ, तो हम लोग सारे अपने आप उसको एकत्रित करके जो भी डोनेशन होता है, जो भी आइटम होती हैं, वो सब अच्छे से पैक करके भिजवाते हैं। पिछली बार जब केदारनाथ में हमें भेजा गया था भारत सरकार से, उसको बहुत प्रशंसा मिली है। इस प्रकार हमारी संस्था समाज के लिए ही काम कर रही है, ना केवल अपने सदस्यों के लिए काम कर रही है। ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि हम लोग समाज के लिए कुछ करें। इसी बात को ध्यान में रखकर हम भिवानी में भी अपने कुछ कार्यक्रम चालू किए हैं। एक हमारा इस साल का पूरा जो कार्यक्रम है वो नेत्र उपचार केंद्र में रहेगा, भिवानी में नेत्र उपचार के लिए पूरा हमारे कैंप लगेंगे और उसमें लोगों को अवेयर भी किया जाएगा और उनके निःशुल्क सारी जाँच की जाएगी और सारे ट्रीटमेंट निःशुल्क किया जाएगा उनका।